हेलो गाइस, मेरा नाम है नीतू कोहली और आज आपका फिर से वेलकम है मेरी चैनल नीतू कोहली एकेडमी में। और आज मैं आपको अपने इस वीडियो में सिखाऊंगी कि हम ब्लॉसम जेल ब्रश आर्ट के साथ वर्क कैसे करते हैं विद राइनस्टोन्स और साथ ही साथ लिपट प्रिंटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, अपना प्यार दिखाने के लिए कमेंट ज़रूर छोड़ देना गाइज। सो आप देख सकते हैं दो नेल्स में ऑलरेडी टिप लग चुकी है और अब जो है हम वन बाय वन करके एवरी नेल पर टिप अप्लाई कर रहे हैं। टिप अप्लाई करते हुए आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो टिप है बिल्कुल भी छोटी ना लग जाए या बड़ी ना लग जाए और ना ही टेढ़ी लगे, नहीं तो सारा प्रोडक्ट आपको उतार के दोबारा से रिमूव करना पड़ता है, तो उसमें आपका टाइम और आपका प्रोडक्ट दोनों चीज़ें वेस्ट होती हैं। और उसके बाद जो है हम इस तरीके से ब्लेंडिंग लाइन करेंगे, जैसे कि हमारी जो टिप लगाई है उसे हम नेचुरल नेल के अंदर मर्ज कर देंगे ब्लेंडिंग लाइन करके, और साइड्स भी नीट कर देंगे साथ साथ ही एमरी बोर्ड की हेल्प से। और इसके बाद जो है शेप भी हम अभी ही कर देंगे। सो ब्लेंडिंग लाइन, साइड वॉल्स एंड शेप, ये तीनों स्टेप जो है हम एमरी बोर्ड के साथ अभी ही फाइनल कर देंगे। तो सभी नेल्स की ब्लेंडिंग लाइन, शेप और साइड वॉल्स नीट करने के बाद अब बारी है हमारे ब्लॉब ऑफ करने की, मतलब कि हमारे जो नेल टिप्स हैं वो रेडी हो गई हैं प्रोडक्ट एप्लीकेशन की। बट उससे पहले जो है हमें ये वाला स्टेप बहुत ज़रूरी है अप्लाई करना, ब्लॉब ऑफ के साथ ब्लॉब ऑफ करना, पूरे के पूरे नेल को ड्राई करना। सो इंक्लूडिंग नेचुरल नेल, हम पूरे के पूरे नेल को इस तरीके से ब्लॉब ऑफर की हेल्प से ड्राई कर देंगे। और वन बाय वन करके नहीं करेंगे, सभी नेल्स को हम एक साथ ही ब्लॉब ऑफ कर देंगे और एक साथ ही सारा वर्क स्टार्ट हो जाएगा। और अब जो है सभी नेल्स पर एक साथ हम इस तरीके से डिहाइड्रेटर अप्लाई कर देंगे, और डिहाइड्रेटर अप्लाई करने के बाद जो है अब हमारी बारी है जेल एप्लीकेशन करने की। बिकॉज हम आज जेल नेल एक्सटेंशन कर रहे हैं तो इस तरीके से सबसे पहले हमें पतला पतला करके जेल अप्लाई करना है सभी नेल्स पर एक साथ, और उसके बाद जो है इसे हमें क्योर करा देना है। अगर आपके पास LED है तो 90 सेकेंड, यूवी लैम्प है तो एटलीस्ट 120 सेकेंड आपको क्योर करवाना पड़ेगा। सभी नेल्स को क्योर कराने के बाद अब बारी है बिल्डर जेल अप्लाई करने की। सो बेस के लिए जो है मैंने हार्ड जेल यूज़ किया, और बिल्डर जेल के लिए भी मैं हार्ड जेल ही यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके से अप्लाई करके इसे भी हम क्योर करा देंगे। भी नेल्स को LED में क्योर कराने के बाद अब बारी है जेल वाइप करने की। सो इस तरीके से हम एसीटोन फ्री की हेल्प से सभी नेल्स को जेल वाइप करेंगे ताकि जितनी भी हमारी जेल की चिपचिपाहट है वो हट जाए। और इसके बाद हमें जो है क्योंकि बफिंग करनी है, सो बफिंग करने के लिए हमें अगर ड्राई नेल मिलेंगे बिना चिपचिपाहट वाले तो बफिंग करना इजी हो जाएगा हमारे लिए। सो इसलिए जेल वाइप का स्टेप करना बहुत ज़रूरी है।
इसके बाद जो है हम इस तरीके से एमरी बोर्ड की हेल्प से सभी नेल्स पे से बफिंग करेंगे, ताकि जितने भी हमारे जेल के डांट्स एंड बम्प्स हैं वो सब के सब नीट हो सकें, और हम शेप को भी एक बार और इसमें जो है नीट कर देंगे। और अब बारी है सभी नेल्स को ब्लॉब ऑफ करने की। सो इस तरीके से हम ब्लॉब ऑफ करने के बाद जो है हम कलर एप्लीकेशन करेंगे। इस तरीके से फर्स्ट कोट अप्लाई करेंगे, जैसे कि हमारे क्लाइंट को दो नेल्स पे डिज़ाइनिंग चाहिए, सो उसका बेस कोट जो है हमने ये पेज कलर अप्लाई किया है, और बाकी नेल्स के ऊपर जो है डिफरेंट कलर चाहिए। तो दोनों की जो कलर एप्लीकेशन की प्रोसेस होगा वो बिल्कुल सेम रहेगा, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ अलग होगा। दोनों कोट हमें जो है पतली पतली लगानी है, लाइक जैसे जो ग्लिटर वाली जेल पॉलिश लगा रहे हैं इसकी भी और नॉर्मल प्लेन कलर्स की भी, बिकॉज दोनों जो हमारी जेल पॉलिशेज हैं वो जेल फॉर्म में है, सो इसलिए हमें इन्हें जो है क्योर कराना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद सभी नेल्स के ऊपर जैसे कि हमारी फर्स्ट कोट पतली पतली लग जाए, और अब हम इसे जो है क्योर करा देंगे। सेम प्रोसेस रहेगा गाइज, अगर LED है तो 90 सेकेंड इनफ है, और अगर UV लैम्प है तो एटलीस्ट 120 सेकेंड बहुत ज़रूरी है। और हमारे फर्स्ट कोट को क्योर कराने के बाद जो है अब बारी है सेकंड कोट अप्लाई करने की। सो इस तरीके से सेम कलर जो है जिस जिस नेल पर है सेम कलर की सेकंड कोट अप्लाई करेंगे, और इसे भी हम क्योर करा देंगे। हमारी जेल पॉलिश की जो कोट्स हैं वो रेडी हैं, और अब बारी है हमारे डिज़ाइनिंग पार्ट की तरफ जाने की। सो डिज़ाइनिंग पार्ट के लिए हमारे जो है एक नेल पे लिपट प्रिंटिंग करनी है, जिस पर उस पर जो है हम इस तरीके से बेज कलर डार्क का हम फ्रेंच बना देंगे, और साथ साथ ही जो है इसे हम क्योर करा देंगे, क्योंकि हमें जो इसकी एक ही सिंगल कोट देनी है। सो इस तरीके से, और दूसरे नेल पर जो है हम अप्लाई कर देंगे ब्लॉसम जेल, और ब्लॉसम जेल को जो है पूरे नेल पे लगाना है। ये मेरी ब्लॉसम जेल है, ये कलर को स्प्रेड करने में काफ़ी हेल्प करती है, शार्प लाइनिंग नहीं देती है, सो उसके एजेस को जो है काफ़ी स्मूथ कर देती है। और अब इस तरीके से डार्क ब्राउन कलर का जेल पॉलिश का ही मैं इस तरीके से जो है रोज़ बना दूंगी। बट गाइस, कहानी सिर्फ यहाँ पे ही ख़त्म नहीं हो जाती है, मेन ये होता है कि इसका जो शार्पनेस है वो कितनी नीट आ रही है कितनी नहीं है। आपको जो है गैपिंग बहुत प्रॉपरली देना है इसे अप्लाई करने के लिए, ऐसा नहीं कि एक लीफ के साथ दूसरी लीफ बिल्कुल ही ज़्यादा चिपकी हुई लगे, सो सारा के सारा वो मेस्ड अप हो जाता है। इसलिए बहुत नीट तरीके से इस तरीके से वर्क करें शाइन जो भी आपके डिज़ाइन की डिमांड है। और अब हम इन दोनों चीज़ों को जो है क्योर करा देंगे। सो इसे क्योर होने के बाद आप ब्लॉसम जेल ऑलरेडी देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्प्रेड हुआ आ रहा है, और जो हमने फ्रेंच वाला नेल बनाया है उसी सेम कलर का जिससे हमने रोज़ बनाया है उसी जेल पॉलिश के साथ इस तरीके से डॉट्स दे देंगे, और इसे जो है हम एक बार फिर से क्योर करा देंगे ताकि हमारी डॉट्स जो है अच्छे से क्योर हो जाए। और हमारी डॉट्स और हमारा जो ब्लॉसम जेल है वो रेडी है। अब इसके ऊपर बारी है ब्रश आर्ट करने की। सो इसके लिए जो है मैंने वाटर कलर या फिर जैसे कि आपके पास पोस्टर कलर हो, सो आप पोस्टर कलर या एक्रेलिक पेंट्स हो या फिर जेल पॉलिश जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो उसके साथ इस तरीके से लिपट प्रिंटिंग के आउटलाइन कर देंगे, और साथ साथ जो हमारा रोज़ है उसके ऊपर भी हम अपना ब्लैक का जो है आउटलाइनिंग देंगे, ताकि हमारा जो रोज़ है और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे, और जैसे कि शेडिंग इसमें आ रही है लाइट टू डार्क वो और ज़्यादा स्मूथ होकर दिखे। सो हमारा जो बेसिक टू हमारा बेस कलर है और साथ में हमारा ब्राउन कलर है, तो इसके साथ अब हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं ब्लैक का, ताकि ये और ज़्यादा हाइलाइटेड हो दोनों के दोनों फिंगर्स। और इसके बाद जो है हमें मेन हमारा टारगेट होता है इसे परमानेंट करने का। लाइक सबका क्वेश्चन यही होता है कि जब हम बेस कलर में जेल पॉलिश के ऊपर अगर हम अपने पोस्टर कलर्स लगाते हैं तो ये क्या हैंड वॉश में निकल तो नहीं जाएंगे? सो गाइज, ये बिल्कुल भी नहीं निकलता है, बिकॉज इसे ड्राई होने के बाद जो है हमें इसे सील करना होता है प्रॉपरली जेल और UV टॉप कोट के साथ, जिसकी हेल्प से ये जो है बिल्कुल भी हिलता भी नहीं है अपनी जगह से। हमारे क्लाइंट चाहे गर्म पानी से हाथ धोएं चाहे ठंडे पानी से एज यूजुअल, इवन अगर आप जेल वाइप भी करते हैं एसीटोन फ्री की हेल्प से या नेल पॉलिश रिमूवर के साथ भी नेल क्लीन करते हैं तो भी ये एज इट इज़ रहता है।
और अब जो है हमें इसके ड्राई होने के बाद अब बारी है इसे सील करने की। सो इसके लिए मैं नॉन वाइप यूवी टॉप कोट यूज़ कर रही हूँ, और दोनों नेल्स पर जो है हम नॉन वाइप यूवी टॉप कोट लगा देंगे। और हमारे क्लाइंट को जो है थोड़ा सा इसे और हाईलाइट करना है, सो इसके लिए जो है मैंने सजेस्ट किया कि आप ये कुछ राइनस्टोन्स अप्लाई करके थोड़ा सा इसे और ज़्यादा हाईलाइट करवा सकते हैं। सो हम जो है इसे इस तरीके से राइनस्टोन यूज़ करके हाईलाइट कर देंगे, और इसे जो है जहाँ जहाँ पर भी हमें राइनस्टोन प्लेस करने हैं बहुत ध्यान रखना है हमारा डिज़ाइनिंग जो है छुपे नहीं, जो हमने इतनी मेहनत करी है वो बिल्कुल भी ख़राब ना जाए। और जो एक फ्लो बनता हुआ आ रहा है साइड में, जैसे कि स्लैंटिंग लुक में मैंने फ्लावर दिया है और स्लैंटिंग लुक में ही मैंने फ्रेंच देकर डिपर प्रिंटिंग दिए, तो हमारा वो जो है बिल्कुल भी स्लैंट जो है शेप हमारी ख़राब ना। और अब हम इसे जो है क्योर करा देंगे सभी नेल्स को एक साथ, बाकी नेल्स पे भी मैं जो है यूवी टॉप कट इसी के साथ साथ ही लगा दूंगी ताकि हमारे नेल जो है सारे के सारे एक साथ सील हो जाएं। और इसके लिए मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, मैंने इसके लिए यूवी टॉप कट जो है नॉन वाइप यूज़ करी है। अगर आपके पास वाइप वाली है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको नॉन वाइप ही यूज़ करनी है। सो जो भी आपके पास यूवी टॉप कट सीलर जिसे हम बोलते हैं वो है, सभी नेल्स पर अप्लाई करिए एक ही साथ, और राइनस्टोन जहाँ जहाँ प्लेस करने हैं वहाँ वहाँ प्लेस कीजिए और इसे जो है क्योर करा दीजिए। अगर LED है तो 90 सेकेंड, यूवी लैम्प है तो 120 सेकेंड। सो गाइस चलिए देखते हैं इसे क्योर कराने के बाद फाइनल लुक कैसी आई है दोनों हाथों की। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। ओके गाइस थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए।